देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये जो 38% जो है इन्फ्लेशन से 12% इन्फ्लेशन हुआ है जी, मैं सही कह रहा हूँ आपको? बिल्कुल तकरीबन। अब 12% इन्फ्लेशन जब पहले हुआ था, हमने स्टेट बैंक का डेटा निकाला है जी, तो 12% इन्फ्लेशन के जब पहले जब हुआ था तो 9% तो उस वक्त जो है 9.75% जो है इंटरेस्ट रेट था। बिल्कुल समझे, और स्टेट बैंक का ही है वो कागज, मेरा अपना कागज नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ जी। अब आप मुझे ये बताएं, आज भी 12% इन्फ्लेशन है और आप 20% इंटरेस्ट रेट रख रहे हैं, ये कैसे हो गए? IMF का प्रेशर भी तो है ना, IMF के प्लान में भी तो है नहीं, IMF के प्रेशर को छोड़ो भाई, कोई आज का इकोनॉमी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो चीज है वो तो हमेशा एक से ही रहेंगे ना, हमेशा चेंज होंगे क्या? अब जावेद साहब बात ये कि आने वाले या तो महंगाई का तूफान आने वाला है आने वाले दिनों में, नहीं ये तो कह रहे ना 38% से कम हो गई है महंगाई, 12% हो गई जी। सरकारी आदाद शुमार तो ये है, ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। सरकारी आदाद शुमार या तो गलत है या सही है, पहले तो ये डिसाइड किया जाए। इदारे शुमारियात और स्टेट बैंक के तो इदारे और शुमार में हमेशा से फर्क होता है, लेकिन फिर भी 150 बेसिस पॉइंट की कमी अभी भी वायबल नहीं है बिजनेस के लिए। भाई ये तो आपके जो नेबरिंग कंट्री है ना उनके बराबर होना चाहिए रेट, मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। आप बोलो बिजली के रेट ज्यादा हो, आप बोलो गैस के रेट ज्यादा हो, आप बोलो पानी के रेट ज्यादा हो, आप बोलो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, आपके सिक्योरिटी के खर्चे अलग हो, आप बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही ना हो, और फिर आप बोलो आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ये कैसे हो सकता है? 1% टैक्स आयद हो रहा है आप लोगों पर, ये गर्दिश करिए खबर इस बजट में। नहीं ये तो कह रहे हैं कि 1% तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा जो है वो अलग आपका जो है प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स लेंगे और ऑडिट भी करेंगे, तो ये तो अच्छी मतलब बात है। अगर ऑडिट करने तो उसमें क्या कबाहत है क्या? देखो दुनिया के अंदर, मेरी बात सुनो, दुनिया के अंदर हम स्टोन एज के जमाने में जाना चाहते हैं, आगे की तरक्की करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो फिर हम वही जंगल की तरह जंगल में रहना शुरू कर दें, नंगे घूमना शुरू कर दें, गाड़ियां खत्म कर दें और दरख्त उगाए और दरख्तों पे चढ़े वहां सोए। यार आप मेरी बात सुनो, आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, दुनिया के अंदर ऑडिट का निजाम खत्म होता जा रहा है, रियल टाइम ऑडिट होती है, सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप कर दिए गए, हमारे यहाँ भी सॉफ्टवेयर जो है फास्टर का ऐसे ही डेवलप किया गया है कि ह्यूमन इंटरवेंशन और रियल टाइम ऑडिट होती रहे, खुद ब खुद सॉफ्टवेयर ऑडिट करता है, आदमी की जरूरत नहीं है उसमें। दुनिया में मशीनरी ऐसी बनाई गई है जहाँ पहले 100 आदमी लगते थे, अब वो 2 आदमी वो मशीनरी से काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलेंगे कि स्टोन एज के जमाने में जाएंगे। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी धुआंधार की है, वफाकी वजीर खजाना पे निष्ठा बरसा दी है, हुकूमत पे निष्ठा बरसा दी है, बिहार पे निष्ठा बरसा दी है, मैंने वजूहत क्या थी, वजह है तो जरा बताए ना। देखो मैं तो सच बात की है कि मुझे एक बात बताए कि डॉक्टर जो है बगैर मरीज से मिले मरीज का इलाज कर सकता है? नामुमकिन है। तो ये वो डॉक्टर हैं जो घर में बैठे बैठे इलाज कर रहे हैं, ये ना किसी एसोसिएशन से मिले, ना किसी एक्सपोर्टर एसोसिएशन से मिले, ना किसी चैम्बर से मिले, ये बजट बनाने निकला है, ये दुनिया के वाहिद ऐसे तजावीज तो भेजी है, तजावीज तो भेजी ना, तजावीज क्या भेजी है? मेरी बात सुनो, आप मेरी तजावीज या तो मैं ईमेल पे डॉक्टर को ईमेल कर दूं मुझे दवाइयां दे दे यार। भाई फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे खान तो गए ना इस्लामाबाद मुलाकात करने, फेडरेशन पूरा पाकिस्तान तो नहीं चला रहा यार, सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी एप्टमा के लोग, सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी तो है ना, आप इसको निगलेक्ट तो नहीं कर सकते? नहीं, एप्टमा तो पाकिस्तान में जितना नुकसान आज तक एप्टमा ने पहुंचाया है, मुझे लगता है कि वो नहीं, औरत की दुश्मन सबसे बड़ी औरत ही होती है, जैसे बहू बेटी के बारे में, यानी आसिफ इनाम ने आप लोगों को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। एप्टमा हमेशा से नुकसान पहुंचाती है वैल्यूएटेड टेक्सटाइल को, यानी जो चेयरमैन है आसिफ इनाम, उन्होंने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कितना हुआ है आप देख लें, यान कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कॉटन कितना एक्सपोर्ट हुआ है। बिल्कुल फिगर तो अच्छे नहीं है, अब आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट का टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे जो हमने अभी भी नहीं किया $30 अरब? ये तो देखो नेगेटिव ग्रोथ है एक्सपोर्ट में, ये तो आज इंडिया को तो आप, इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट कम किया, बंद कर दिया और अपने मुल्क में राइस के दाम नहीं बढ़ने दिए,
हमारे मुल्क में हमने राइस के पब्लिक के लिए दाम बढ़ा दिए और राइस एक्सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट में ग्रोथ आ गई और फिर आपके तिल जो है एक्सपोर्ट हुए उसमें ग्रोथ आ गई, इस तरह आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया। बाकी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कम हुआ है और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट मजीद कम हो जाएगा जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, क्योंकि आपने एनर्जी के टैरिफ इतने बढ़ा दिए हैं कि आपके रीजनल कंपिटेटिव कंट्रीज और आपके नेबरिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, एनर्जी के, पानी के और इंटरेस्ट रेट सब ज्यादा है। बिल्कुल आप मुझे बताएं, और आपकी सिक्योरिटी सबसे खराब है यहाँ, सबसे खराब है। अब मुस्तकबिल क्या देखते हैं इंडस्ट्रीज का? मुस्तकबिल आप बस ख्वाब देख सकते हो कि जैसे आप ख्वाब देखो, जैसे गवर्नमेंट दिखा रही है ख्वाब अच्छे अच्छे, आप ख्वाब देखते रहो और ख्वाब देखते देखते आज पाकिस्तान का यह असर हो गया। गवर्नमेंट तो उस वक्त हमें डरा रही है कि बजट में नए टैक्सेस लगने वाले हैं 4,450 अरब रुपए के। ओ भाई, गरीब तो बेचारा मर गया, इन्होंने इनको टैक्स नेट का बेस बढ़ाया, इन्होंने आज तक 14 दफा इन्होंने टैरिफ कम अपने टैक्स के लिए टैक्स रिफॉर्म बनाया कमीशन, और 14 दफा के अंदर ये कुछ नहीं कर सके। और एक इनके अंदर डिपार्टमेंट होता है FBR के अंदर, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, उसका काम ही यही है कि टैक्स का बेस बढ़ाया जाता है, टैक्स नेट के अंदर नए लोगों को लाया जाता है। उनसे पूछे तो सही कितने नए लोग लाए।